शुरू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको जो है ना टूर कराएंगे लाहौर जू का, जो कि काफ़ी पुराना है। इधर से काइना और लाहौर की पहचान है, तो आपको टूर करवाते हैं आज। रान वो देखो, जिराफ देख, जिराफ वो देख। नहीं हट कोई स्नेक जा रहे हैं, आप देख सकते हैं जी। ये सांप मुख्तलिफ किस्म की जो है ना, इधर ये देखें बड़ा क्लोजअप इसका है लुक, ये बड़ा क्लोजअप लुक का है इसका। ये सब भी रहे होंगे, वो देखें। ओ, 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 ओ देखें, और ये बड़ा क्लोजअप लुक है इसका, हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आपके, वो काफ़ी किस्म के जो सांप है इकट्ठे एक जगह पे रखे हुए हैं उन्होंने, है उनकी एक ही नस्ल है लेकिन वो इकट्ठे बैठे हुए हैं। वो देखें आप, रेस्ट कर रहे हैं जो भी कहना है, एक इधर बैठा हुआ है, एक सांप इधर ही बैठा हुआ अकेला, बाकी सारे उधर हैं, शायद ये उनसे नाराज़ है। आ जाओ, इसको देखने का फायदा नहीं है, एक ही है और वो साइड में है। ये जी बड़ी नस्ल का सांप है, इसके गद काट काफी लंबा होता है, और वो देख अंदर बैठा हुआ, वो देख बैठा, देखिए कितने आराम से बैठा हुआ है। तकरीबन ऐसे ही बैठे रहते हैं, इनका कोई इतना एक्टिव नहीं होता है। फिलहाल वहाँ आ गया आज। हाँ, ये भी बड़े साइज का जो है सांप है, और ये भी बैठा हुआ है। आपको बताया था ये इनका खून ठंडा होता है, जिसकी वजह से ये एक जगह पे बैठे ही रहते हैं, कोई ज़्यादा सिर्फ एक्टिव नहीं होते, सिर्फ खाने के लिए होते हैं जब बड़ी भूख लगती है। चले आप आगे टूर करवाते हैं आपको। ये भी वो ठंडी ये खून वाले सांप हैं जी, बड़े साइज का होता है ये, एनाकोंडा कह लें या आपको जिस अल्फाज में होता है, ये बड़े जो है ना साइज का होता है, और आप देख सकते हैं इसका साइज काफ़ी बड़ा, लेकिन इसमें जहर नहीं है, ये कुछ नहीं कह सकता, आप इसके पास भी चले जाएँ कुछ भी कर सकते, ठीक है। ये छोटी मोटी चीज़ें खा के जो अपना गुजारा करते हैं, और ये काफ़ी देर तक भूखा भी रह सकता है कई महीनों तक। ये शाम घर जो चिड़िया करके ना, वो तो आपको दिखा दी है, अब आपको आगे वाली चीज़ें भी दिखाएंगे आप। देखें लोग इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी आए हैं यहाँ पे, इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे। फैमिली आई हुई हैं और इंजॉय कर रही हैं अपना जो है। ये पैरट कितनी अच्छी नस्ल का इन्होंने रखा है, और इसको लहरा नहीं रखा है इन्होंने, इस पिंजरे में रख दिया, ये बड़ी अच्छी नस्ल का पैरट है। I got no love for the fakeness if you want to play tough and want to hate this I'll always show up and make a statement
ये जी शेर का पिंजरा आप देख रहे हैं, पिंजरा नहीं कह सकते इसे, ओपन ही उन्होंने रखा हुआ है। तो वो देखें वो सो रहा है, वो था हमने वाइट कलर का, वो सो रहा है अभी एक है इधर। तो ये इसकी रहने के लिए उन्होंने जगह बनाई हुई है। ये जी खा तो रहा है लेकिन ये इसको कम खुराक मिलती है, बेचारे को हड्डियाँ ही मिलती हैं, गोश्त वगैरह तो देते नहीं ज़्यादा। ये देखें वाइट टाइगर है, तो बस गुजारा ही कर रहे हैं अपना। ये देखें जी ये भालू है, और ये वाकई बहुत अच्छी नस्ल का जो भालू है ना वो इन्होंने रखा हुआ है, ये बात को मानना पड़ेगा। पूरे नीचे आया हुआ, इसका जो मेन जो है ना रहने की जगह वो है। वो देख इसका साइज भी ठीक, वो देखें जी भालू का साइज जो है ना वो, वाह वो देखो भालू कितना बड़ा है ये, और इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा भालू है। अगर कोई गलती से इसके पिंजरे में चले गया तो मुझे नहीं लगता वो जिंदा वापस आ सके। इसकी पावर का जो है ना आप साफ लगा लें कि दो तीन पैंसे जो है इकट्ठे हों तो इसकी एक पावर है। और ये हम आपको बड़ी क्लोजअप लुक दिखा रहे हैं इसकी, बड़े क्लोजअप लुक है इसके। और ये एक और भालू है जी, ये उससे ज्यादा खतरनाक नस्ल है इसकी, ये आपको देखने में भी पता लग जाएगा। ये आपको जंगल में अकेले में मिल जाए तो मुझे नहीं लगता आपकी खैर। पकड़ेगा, देखें इसका देखने का अंदाज, इसका बैठने का, उसकी शक्ल से देखें लगता है कि ये आपको छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। वाह और इसका आप देख सकते हैं रास्ता भी उन्होंने नीचे से बंद किया है, वो इसी वजह से है ये ज़रा डेंजरस किस्म का होता है। ये जी हाथी का, ओह हाथी का जो वो है था वो सेल था, उसकी जगह वो मर गया, वो किसी वजह से उसकी जगह उन्होंने इनको रख लिया है। ठीक है, तो हाथी होता था इधर लाइन की जगह, सॉरी हाथी की जगह थी ये, वो यहाँ पे आता था लेकिन अब इनके पास मौजूद नहीं है लाहौर ज़ू में, जिसकी वजह से उन्होंने इनको रख लिया हुआ है। ये देखें ये भी अजीब नस्ल के जो हिरन कह लें या बकरे कह लें तो वो है ये, लेकिन हाथी का मुकाबला तो ये नहीं कर सकते। ये सबसे जो नायाब चीज़ है यहाँ इनकी जो लाहौर ज़ू में, ये वाइट राइनो जिनकी नस्ल वैसे ही ख़त्म हो रही है। ये दुनिया में थोड़े से ये तीन या चार होंगे बस वाइट राइनो, इससे ज़्यादा नहीं। आज
जाके चलिए। और ये डक्स जो है उनका पिंजरा, पिंजरा ही कह लें इसे, डक्स हैं और एक और किस्म की नस्ल है इधर, जोड़ते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए, उसे बंगला भी कहते हैं उर्दू में, वो आप सामने देख सकते हैं। इनका सबसे जो रिलैक्सेबल सेंसेशनल जो है ना, वो जो सेल है वो इनका ही है, जो सुकून से यहाँ पे रह रही हैं, देख सकते हैं आप वो देख। ये मछली घर जो है नया बना है इधर, ठीक है, कि पहले नहीं था अवेलेबल इधर, और अब इन्होंने बनाया है, फिश हाउस कह लें, मछली हाउस कह लें, ये न्यू बनाया है इन्होंने, और ये बड़ा खूबसूरत जो है इन्होंने बनाया हुआ है। नया फिश हाउस बना है जी लाहौर जू में, मैंने तो आज देखा है इसको, पहले नहीं था उसका। और आप ये फिश जो इन्होंने हाउस बनाया उसके साथ ही इनका जो है ना, ये इन्होंने ये बनाया है, और ये बड़ा पुराना है, ये तो नया नहीं है। यहाँ पे इन्होंने जो है जंगली सुअर रखे हुए हैं, और ये अभी तो सो रहे हैं सारे। अभी तो ये सो रहे हैं। मनु खिला दे खिला दे खिला दे, वो खा गई खा गई। Thank you.